नुमाइश प्रशासन के खिलाफ चल रहे आंदोलन के क्रम में आज कार्यकर्ताओं ने अचल ताल रामलीला मैदान पर भाजपा कार्यकर्ता संजू बजाज की अगुवाई में एकत्रित हुए, जहां पूर्व में नुमाइश प्रशासन की अर्थी निकालकर पुतला दहन किया गया था, जिसके बाद आज मुंडन व अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम किया गया। अचल ताल पर चंद्र मोहन ने मुंडन कराया व नुमाइश प्रशासन की अस्थियों को अचल ताल में विसर्जित किया। संजू बजाज ने बताया कि अलीगढ़ के डीएम मेरी आवाज को दबाने के लिए मेरे ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई तानाशाही पूर्वक कर रहे हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर निरंतर मांग कर रहे हैं। जब तक कार्रवाई नहीं होगी विरोध करते रहेंगे। जिला प्रशासन भाजपा सरकार की छवि खराब करने का कार्य कर रहा है। चंद्रमोहन ने बताया कि आज हमने मुंडन व अस्थि विसर्जन किया है। भ्रष्टाचारी पीयूष साराभाई की बर्खास्तगी की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, उल्टा हम पर दबाव बनाया जा रहा है। इस मौके पर दिनेश अग्रवाल, अजय यादव, अवतारी बघेल, सोनू कश्यप, पिंटू प्रताप सिंह, अर्जुन सिंह, शिव कुमार, राम गोपाल सहित आदि लोग मौजूद रहे। चंद्रमोहन, आज मुंडन क्यों कर रहे हैं? आज मुंडन हमने इसीलिए कराया है क्योंकि आज से 3 दिन पहले प्रशासन का पुतला जलाया था, और उस प्रशासन का पुतला जलाने के बाद में आज यहाँ दहन किया है, अस्थियों का विसर्जन किया है। क्या कारण था? कारण भ्रष्टाचार को लेकर था, जो निरंतर यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है नुमाइश प्रशासन का, उसको लेकर किस तरह से प्रदर्शन किया है? देखिए, निरंतर हम लोग लंबे समय से अलीगढ़ के भ्रष्ट जिला प्रशासन और नुमाइश प्रशासन के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी उसी कड़ी में, क्योंकि हमने 3 दिन पूर्व अभी नुमाइश प्रशासन की अर्थी निकालकर पुतला फूका था, पुतला दहन किया था, आज हमने उसी नुमाइश प्रशासन के अर्थी के उसमें आज हमने अस्थि विसर्जन और मुंडन करा के ये विरोध प्रदर्शन किया है। और हम लोग निरंतर मांग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि यहाँ अलीगढ़ में जो घटनाएं चल रही हैं, यहाँ पर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उस पर संज्ञान लेकर यहाँ के प्रशासन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ का प्रशासन का जो भ्रष्टाचार का माध्यम है वो है पीयूष साराभाई, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि हम लोग निरंतर मांग कर रहे हैं कि उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि जितना भी यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है उसका 30% खुले रेट पीयूष साराभाई ने अपनी तरफ से खोल रखे हैं, और 30% देंगे उन्हीं को, अन्य ठेके और सारी चीजें हैं वो उनको पीयूष साराभाई के माध्यम से दिए जाते हैं। उसकी बर्खास्तगी और अलीगढ़ डीएम की संपत्ति की जांच को लेकर हम निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी हमारा ये प्रदर्शन मुंडन करा के और अस्थि विसर्जन करके हमने किया है।